हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज भी एक नई जानकारी के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, तो पूरे वीडियो बने रहना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज 15 जून को भी, कल भी बारिश हुई थी और आज भी हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है और बहुत अच्छा ठंडा मौसम हो चुका है। आपको देख करके दिखाते हैं जी। फ्रेंड्स, अभी बारिश हुई थी और रोड गीला हो रहा है, देख लीजिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, पानी पानी हो रहा है। थोड़ा बहुत तो मनी प्लांट दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। और आज तो फ्रेंड्स पानी अच्छा आया सुबह हमारे, तो अच्छे शावर ओवर दे दिया था। और देखिए ग्रोथ, और अब तो फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छी से ग्रोथ होने लग गई है। साइड ब्रांच निकलने लग गई इनकी, देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स मनी प्लांट कितनी मस्त ग्रोथ हो रही है इसकी। और वही दाल चावल का पानी डाल रहे हैं फिलहाल, देख लीजिए। और फ्रेंड्स, जो जेट प्लांट बिल्कुल झूल गया था फ्रेंड्स इस प्रकार से, अभी तक इसको मैंने ठीक नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसके लिए मेरे पास अच्छे से पॉट है नहीं है। तो देख लीजिए अभी, और फ्रेंड्स एलोवेरा जेल की पत्तियों को काट कर उसका जेल बनाकर फ्रेंड्स इनमें डाली है। जेट प्लांट पे, मनी प्लांट में बहुत ही शानदार ग्रोथ होती है उससे, देख लीजिए। और फ्रेंड्स, जो लिपन आर्ट से जो मैंने बनाया, जो कार्डबोर्ड पे बनाया है फ्रेंड्स, वो कंप्लीट तो अभी नहीं हो पाया, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम लगता है इन चीज़ों में बनाने में। और आज यानी जो कीप बहुत शानदार बनी थी, और अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वो काम करके हटी हुई हूँ, और दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको ये। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा रेडी कर दिया है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आता नहीं है, और आपको पास से दिखाऊँगी। और पर फ्रेंड्स, ये कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कल इसका अलग से लुक आएगा। और फ्रेंड्स, मैंने आर के मैंने कि राजकुमारी का मैंने वो लगा दिया है, ये देख लीजिए। कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तीन कार्डबोर्ड और तैयार किए हैं मैंने लिपन आर्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो गत्ते होते हैं ना, बॉक्स होते हैं उनसे, और इन पे ने जो गोल पट्टी का लेप कर इनको मैंने रेग मार्क्स से घिस भी दिया है। तो देख लीजिए, एक और ये दो। और फ्रेंड्स, एक ये केक का है जो शादी के सालगिरह के दिन आया था। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इस प्रकार से आया, तो दो चिपका कर मैंने इसको थोड़ा अच्छा सा बेस दे दिया इसके लिए, ये देख लीजिए। मैं छत पे आ चुकी हूँ और आपको थोड़ा सा बैक करके बताऊँ, क्योंकि अभी बारिश के छींटे आ रहे हैं और मोबाइल कैसे तैसे करके मैंने ठीक करवाया है, अभी तो ख़राब हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। और फ्रेंड्स, धूप में बहुत ही शानदार तरीके से खिले हुए हैं, ये देख लीजिए। आपको थोड़ा पास ले जाकर दिखाती हूँ, और फ्रेंड्स आपको इस तरह की फ्लावरिंग लेनी है ना, तो फ्रेंड्स अभी गर्मी में बर्मी कंपोज और लहसुन आलू और प्याज के छिलके का जो लिक्विड खाद बनाया जाता है फ्रेंड्स, उसको डालो, उससे इस प्रकार की फ्लावरिंग होगी आपके फॉर्चूला के अंदर और पर्सलिन में। तो फ्रेंड्स, पर्सलिन में कल 5 फूल खिले हुए थे, आज नहीं खिले फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना मस्त व्यू आ रहा है, देख लीजिए फ्रेंड्स। इधर भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और आज फ्रेंड्स मैंने ककड़ी की बेल को हटा दिया है, देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक ककड़ी निकली थी और खाली करना ही था, तो कर दिया मैंने उसको खाली, और देख लीजिए।
और फ्रेंड्स आपको दिखा देती हूँ, अभी बारिश के चक्कर में ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी मैं। और फ्रेंड्स दिन में जो फॉर्चुला की फ्लावरिंग हुई है उसकी क्लिप मैं बीच में लगा दूँगी, देख लीजिए। और फ्रेंड्स मोगरे के अंदर फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स, और धूप से बचाने के लिए मैंने उसको साइड में रखा है, ये देख लीजिए। फ्रेंड्स मैं नीचे जा रही हूँ, शेगी आ चुका है क्योंकि थोड़ी देर पहले आया था फ्रेंड्स वो ना जो चल गया था, और अब वापिस आ चुका है, वो रोटी खाने के लिए आता है, तो अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स शेगी आ चुका है और रोटी खा ही रहा है। और फ्रेंड्स ये क्या है, ये उनको बहुत देखकर मुझे बहुत ही टेंशन होती है फ्रेंड्स। खा ले, खाओ खाओ बेटा, खाओ खाओ, खा लो खा लो खा लो खा लो खाओ खा लो खाओ, आराम से खाओ। हाँ 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 खाइए खाइए खाइए, रोटी खाइए, खाओ चलो खा लो। और फ्रेंड्स इसको भूख लगती है तब आ जाता है, जरूर से आता है। और फ्रेंड्स मैं एक दो रोटी हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। शिवानी और है रोटी लेके आना, खा लो खाओ बेटा खाओ, आ जाए करो है ना खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए आ जाए करो। भीग गया ना, भीग गया भीग गया भीग गया भीग गया भीग गया, वाह भीग गया ना। शेगी आया था, रोटी खा के जा चुका है। और फ्रेंड्स आपसे यही कहना चाहूँगी, जैसे अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल, तो फ्रेंड्स अभी लौकी गिलकी करेला और बीन्स ये सारी सब्जियों के बीज डाल देना फ्रेंड्स, क्योंकि अभी डालोगे तभी जाके है ना जो फ्रेंड्स एक महीने में उनकी अच्छी से ग्रोथ भी हो जाएगी। और सही वक्त अब आ चुका है क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है। और फ्रेंड्स हमारे कल भी बारिश हुई थी 15 जून को, और आज भी बारिश हुई है, तो बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स बारिश में, बहुत मतलब कहते हैं सारे जगह हरियाली हरियाली हो जाती, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग है ना सारे बीज डाल दीजिए, और आप मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करना कि कौन कौन से बीज बारिश में डाला जाता है, उनकी क्रिएटिव्स क्या है, और अधिक बारिश हो जाए तो अधिक बारिश में अपने पौधों को कैसे बचाया जाए। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है। और फ्रेंड्स बारिश के अंदर एक चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, वो है कि पौधों के अंदर कीड़े लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक तो जैसे कीटनाशक मैंने घर का बना कर रहना है उसका वीडियो डाल रखा है, जैसे नीम की पत्तियां हैं और क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बना कर डाल रखा है। और एक है फ्रेंड्स नीम ऑयल और बेकिंग सोडा मिलाकर उससे भी स्प्रे करने से फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी है ना कीड़े मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा प्ले लिस्ट में आप ज़रूर चेक करना। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही है, अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।